इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। भारी बारिश की तबाही ने आधे हिंदुस्तान को अपनी आगोश में ले लिया है। पिछले कई दिनों से लगातार होती बारिश ने मुंबई, वडोदरा, राजकोट, त्र्यंबकेश्वर, पुणे, ठाणे और नासिक को पानी पानी कर दिया है। गुजरात के छोटा उदयपुर में भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात बदतर हो चले हैं। बाढ़ का कहर है कि मानता ही नहीं। इसमें सबसे ज्यादा कहर गुजरात में मचा है। वडोदरा हो या सूरत, छोटा उदयपुर हो या कच्छ, ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब पूरे शहर को डुबोने के लिए आमादा है। बारिश ने पूरे शहर की ऐसी तस्वीर बिगाड़ दी है जिससे उबरने में महीनों लग सकते हैं। बाढ़ बारिश की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर की हैं। जिले की ओरसांग और अश्विन नदियां उफान पर हैं। बाढ़ बारिश का आलम ऐसा है कि ये सैलाब बनकर पूरी सड़क को बहा ले गई। चाणौत करनाली रोड पर बनी पुलिया, जिसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन के वक्त निर्माण हुआ था, तिनके की तरह बह गई। जिस पुलिया का गांव वाले एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो आज दरिया बन चुकी है, जिसकी वजह से दर्जनों गांव का संपर्क शहर से कट गया है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। छोटा उदयपुर से आई दूसरी तस्वीर भी बेहद डराने वाली है। दूर से दिख रहा यह नजारा किसी खूबसूरत डैम की तरह लगता है, लेकिन जैसे जैसे कैमरा जूम होता है, रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आती है। ऊपर से डैम की शक्ल लिए बारिश का पानी और नीचे मौत की घाटी का नजारा, थोड़ी सी चूक और जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद। प्रशासन ने बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए लोगों को उपनते नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते नजर आते हैं।